नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम OBS स्टूडियो को इस्तेमाल करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग एक साथ कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहो यूट्यूब और फेसबुक पर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहे और वही लाइव स्ट्रीमिंग आपकी इंस्टाग्राम पर वर्टिकली चलती रहे, तो वो आप कैसे करोगे, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने पीसी पर और अपने OBS स्टूडियो को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है। जब आप OBS स्टूडियो को इंस्टॉल करते हो, उसके बाद नॉर्मल जो OBS स्टूडियो होता है उसके अंदर आप एक ही तरह की लाइव स्ट्रीमिंग एक बार में कर सकते हो। अगर आप वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग की सेटिंग कर दोगे, यानी पोर्ट्रेट मोड में कर दोगे, तो आपकी वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग ही होगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। और अगर आप हॉरिजॉन्टल या फिर लैंडस्केप मोड में आप सेटिंग कर दोगे, तो आपकी लैंडस्केप मोड में होगी, यानी हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग होगी, आपकी वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। अब OBS स्टूडियो के अंदर अगर आप चाहते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग एक साथ करना, तो उसके लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी। उस प्लगइन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे, तो आप OBS.com की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहां पर आप देख सकते हो एटम वर्टिकल 1.4.1, ये एक प्लगइन है, इसे आपको इंस्टॉल करना होगा। प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहां पर गो टू डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहां पर आप देख रहे हो एक छोटी सी exe फाइल आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगी। यहां पर डाउनलोड में आपको ये वाली प्लगइन दिखाई दे रही है, वर्टिकल कैमरा विंडोज, ये आपको दिखाई दे रहा है। आपको जाना है फोल्डर पर, फोल्डर पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो वर्टिकल कैनवास विंडोज इंस्टॉलर हमारे सिस्टम पर डाउनलोड हो चुका है। अब आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी कि आप इसको कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हो। तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब हमारी इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो चुकी है, आपको यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करना है। तो इस प्लगइन को आपको अपने पीसी पर इंस्टॉल कर लेना है। बहुत जल्दी ही ये प्लगइन आपके पीसी पर इंस्टॉल हो जाती है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको अपना OBS स्टूडियो फिर से ओपन करना है। और अब जब आप अपना OBS स्टूडियो ओपन करोगे, तो यहां पर आप देख पाओगे बहुत सारे वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शन आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग का अलग से ऑप्शन ओपन हो गया है। अब इसमें आप अपनी वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग की सेटिंग इस साइड कर सकते हो, और जो हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग है वो हमारी यहां पर सेट हो जाएगी। अब वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग नीचे आपको अलग से सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आपको वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी हो, तो यहां पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ रहा है, रिकॉर्ड वर्टिकल का ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा क्लिप रिकॉर्ड करना है तो वर्टिकल क्लिप रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा यहां पर आपको वर्चुअल वर्टिकल कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारे ऑप्शन हमें यहां मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप सीन्स में जाओगे, यहां पर आप देख रहे हो जो सीन्स का हमारा ऑप्शन आता था, तो जो नॉर्मल OBS स्टूडियो होता है उसमें आपको केवल सीन का ऑप्शन यहां दिखता है, लेकिन यहां पर हमारे हॉरिजॉन्टल लाइव के सीन आ रहे हैं और नीचे वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग के सीन यहां पर क्रिएट हो चुके हैं। इसी तरह से यहां पर जो आपका सोर्सेज का ऑप्शन आता था, तो सोर्सेज का ऑप्शन तो हमारा यहां पर है ही, ये हमारा हॉरिजॉन्टल का है और नीचे वर्टिकल सोर्सेज का ऑप्शन अलग से हमारा यहां पर ओपन हो चुका है। तो सारी चीजें आपको डबल डबल यहां पर मिल रही हैं। इसी तरह से सीन ट्रांजिशन में आप देखोगे, तो यहां पर सीन ट्रांजिशन हमारा नॉर्मल वाला है जो हॉरिजॉन्टल के लिए हमें यूज करना है, तो ये वाला सीन ट्रांजिशन है, और वर्टिकल के लिए ये वाला सीन ट्रांजिशन यहां पर आ चुका है। और हमें अपनी जो नॉर्मल लाइव स्ट्रीमिंग, जो हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के लिए यहां पर ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट स्ट्रीमिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट रिप्ले बफर, स्टार्ट वर्चुअल कैमरा, ये सब हमारे जो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शन है, और वर्टिकल के ऑप्शन हमारे यहां पर हैं। अब हमने यहां पर एक सीन क्रिएट कर रखा है, ये जो नॉर्मल सीन्स आप यहां पर देख रहे हो इसमें हमने सीन क्रिएट कर रखा है, जैसे गेम सीन है और ये हमारा कैमरा वाला सीन है, ये आप देख रहे हो सीन टू। तो ये हमारा कैमरा वाला जो सीन है उसके अंदर हमने सोर्सेज ऐड कर रखे हैं। सोर्सेज में हमने ऑडियो कैप्चर ऐड कर रखा है, यानी हमने अपना माइक्रोफोन ऐड कर रखा है, और यहाँ पर वीडियो कैप्चर डिवाइस में मैंने अपना कैमरा ऐड कर रखा है। अब यहाँ पर वर्टिकल सीन्स में आप देख रहे हो, तो अभी वर्टिकल सीन्स के अंदर हमने अभी कोई सीन क्रिएट नहीं किया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे और एक वर्टिकल सीन क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ इसका नाम दे देता हूँ वर्टिकल सीन वन, ठीक है, वर्टिकल
सीन वन मैंने यहाँ नाम दे दिया, उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पर एक वर्टिकल सीन वन के नाम से एक हमारा वर्टिकल सीन क्रिएट हो गया। अब वर्टिकल सीन के अंदर हमें क्या क्या ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ वो वर्टिकल सोर्सेज का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप प्लस के बटन पर क्लिक कर दो। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा हॉरिजेंटल वाली जो लाइव स्ट्रीमिंग है इसमें जो कैमरा हमारा काम कर रहा है, इसी कैमरे को हम वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाना चाहते हैं, तो उसे क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखो हमने सीन क्रिएट किया हुआ है ना, हॉरिजेंटल वाली लाइव स्ट्रीमिंग में हमने जो सीन क्रिएट करा हुआ है कैमरा के नाम से, उस सीन को हम वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग वाले जो सोर्स है उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर जाएंगे सीन पर, और सीन के आगे आप देखोगे तो यहाँ पर जो एरो आ रहा है इसके आगे आपके सारे सीन आ जाएंगे, जो गेम सीन है, वर्टिकल सीन है, वर्टिकल सीन वन है और कैमरा। तो हमारा जो कैमरा वाला सीन था उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। कैमरा वाले सीन पर क्लिक करो तो ये जो कैमरा वाला सीन था वो हमारी वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर ऐड हो चुका है। तो ये जो हमारा सीन था वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, हमारा कैमरा वाला सीन ऐड हो गया है। अब इस साइड आप देख सकते हो ये हमारा वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हमारा ये वाला जो सीन है जो हमारा यहाँ पर चल रहा है वो सीन हमारा यहाँ भी दिखाई देने लगा है। अब सिंपल आपको इसे वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग के हिसाब से क्रॉप कर देना है, सेट कर देना है, जिससे आपका फेस कैम पूरा वर्टिकली इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर अब मेरा हॉरिजेंटल वाली लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर तो ये पूरा सीन इस तरह से आएगा और यहाँ पर हमारा क्रॉप होके आ रहा है, यानी कैमरा हमारा एक ही है, माइक भी हमारा एक ही है और वही हमारा यहाँ आएगा और वही हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हमारी वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हम जो भी सोर्स ऐड करना चाहें, अगर आप अलग से कोई सोर्स ऐड करना चाहो तो यहाँ पर आप ऐड करते जाओ प्लस के बटन पर क्लिक करके, जो भी सोर्स आपको ऐड करना है अलग से वो भी आप कर सकते हो। और अगर आप चाहो इस वाली लाइव स्ट्रीमिंग में जो आप सोर्स यूज़ कर रहे हो उनको अगर आपको यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो हमारा सीन यहाँ पर क्रिएट हो गया, सिंपल सा आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर मैं अपने सीन को चेंज करूँगा, जैसे मान लो मेरा ये हॉरिजेंटल लाइव स्ट्रीमिंग वाला सीन है, ये आप देख रहे हो हॉरिजेंटल वाली लाइव स्ट्रीमिंग का सीन मेरा यहाँ पर चल रहा है। अब मैं इस सीन को मान लो चेंज कर दूँ, मैं इसे गेम सीन पर कर देता हूँ, ये गेम सीन है मेरा, मैंने यहाँ पर कर दिया। तो लेकिन मेरा जो गेम सीन तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर जो वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग वाला सीन है वो हमारा चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो ये वाला कैमरा वाला सीन था वो हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप चाहते हो गेम स्क्रीन भी आप यहाँ पर दिखाना चाहते हो तो उसको भी आप इसी तरह से सेट कर सकते हो। अब बात आती है कि हमें लाइव स्ट्रीमिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो नॉर्मली जब हम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो वो हमारी लैंडस्केप वाली यानी हॉरिजेंटल लाइव स्ट्रीमिंग होती है। तो नॉर्मल सबसे पहले आपको अपनी यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप कर लेना है, उसके लिए आपको जाना है अपने यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर एक क्रिएट का बटन आता है, क्रिएट पर आपको क्लिक करना है, गो लाइव पर क्लिक करना है। तो यूट्यूब का लाइव कंट्रोल रूम इस तरह से ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको शेड्यूल स्ट्रीम पर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, जो भी टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देना है वो आपको यहाँ पर दे देना है, कोई आपको अगर थंबनेल वगैरह लगाना है वो सब आपको यहाँ से लगा लेना है, जो भी सेटिंग होती है लाइव स्ट्रीमिंग की वो सब आपको यहाँ पर कर लेनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो भी आपको टाइम डेट वगैरह देना है वो आप दे सकते हो। अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की प्राइवेसी क्या रखनी है वो यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। पर जब आप लाइव स्ट्रीमिंग की सेटिंग कर देते हो तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रीम की दिखाई देती है और एक RTMP URL दिखाई देता है। तो यहाँ से आपको स्ट्रीम की कॉपी कर लेनी है, स्ट्रीम की को यहाँ से कॉपी कीजिए। स्ट्रीम की को कॉपी करने के बाद हम वापस अपने OBS पर आ चुके हैं और OBS के अंदर जो नॉर्मल वाले हमारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो जो नॉर्मल ऑप्शन है हमारे लाइव स्ट्रीमिंग के, तो उसमें यहाँ पर आपको एक सेटिंग का बटन दिखता है, सेटिंग पर आप क्लिक करो, उसके बाद स्ट्रीम पर क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पर सर्विस में हमें यूट्यूब RTMPS सेलेक्ट कर लेना है और सर्वर में हमें प्राइमरी यूट्यूब इंजेस सर्वर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यूज स्ट्रीम की एडवांस पर क्लिक करना है और यहाँ पर उस स्ट्रीम की को पेस्ट कर देना है। तो इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो हमारी यूट्यूब की जो लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप था वो यहाँ से हो चुका है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर दूंगा तो हमारी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे मैं फिलहाल यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट स्ट्रीमिंग। ठीक है,
तो हमारी जो नॉर्मल लाइव स्ट्रीमिंग है यानी जो इस तरह की जो हॉरिजेंटल लाइव स्ट्रीमिंग है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग अभी हमारी स्टार्ट नहीं हुई है, और वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए मैं इंस्टाग्राम पर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी ये वाली लाइव स्ट्रीमिंग है ये हमारे यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम तक पहुँच चुकी है या नहीं पहुँच चुकी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर हमारे OBS स्टूडियो का फुटेज यहाँ पर आ रहा है, यानी लाइव स्ट्रीमिंग जब भी आप गो लाइव पर क्लिक करोगे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट कर दिया है, यार यू आर लाइव। तो ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग थी ये तो हमारी चालू हो चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब हम इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है, आपको जाना है instagram.com पर और अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है। इंस्टाग्राम में इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे होम का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक क्रिएट का ऑप्शन आपको दिखेगा, क्रिएट पर प्लस के बटन पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक पोस्ट का ऑप्शन आएगा, एक लाइव वीडियो का ऑप्शन आएगा, आपको लाइव वीडियो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इस तरह का एक मैसेज दिखाई देगा, एड लाइव वीडियो डिटेल्स। इसमें आप यहाँ से प्राइवेसी सेट कर सकते हो, जो ऑडियंस की प्राइवेसी है इस पर क्लिक करो। इसमें आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, पब्लिक, प्रैक्टिस और कैंसिल। यहाँ पर आपको पब्लिक सिलेक्ट कर लेना है, और आप चाहो तो प्रैक्टिस करना चाहो तो प्रैक्टिस भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पब्लिक सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन आ रहा है स्ट्रीम URL और दूसरा आ रहा है स्ट्रीम की। तो इन दोनों को हमें कॉपी करना होगा। तो पहले हम स्ट्रीम URL को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, स्ट्रीम URL, ठीक है। इसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और हम वापस जाएंगे अपने OBS स्टूडियो। अब हम वापस आ चुके हैं अपने OBS स्टूडियो पर। अब इस साइड जो वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शन है इसके अंदर हम अपनी इंस्टाग्राम की जो URL है उसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग वाले सेक्शन में यहाँ पर भी एक सेटिंग का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे इनेबल्ड का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर नेम का ऑप्शन आ रहा है, तो नेम में मैं यहाँ डाल देता हूँ इंस्टाग्राम, कोई भी नाम आप डाल सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्टाग्राम। उसके बाद जो हमने सर्वर URL अभी कॉपी किया था उस सर्वर URL को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। सर्वर URL को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद हमें इंस्टाग्राम स्ट्रीमिंग की जो स्ट्रीम की थी उसे कॉपी करना है। तो वापस चलेंगे अपने इंस्टाग्राम, अब यहाँ से आपको इस स्ट्रीम की को कॉपी कर लेना है। स्ट्रीम की हमने यहाँ से कॉपी कर ली, वापस जाएंगे अपने OBS स्टूडियो पर और यहाँ पर हम अपनी इंस्टाग्राम लाइव की स्ट्रीमिंग की को पेस्ट कर देंगे। तो इसे हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। अब हमारी ये वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग और हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग दोनों हमारी यहाँ सेट हो चुकी हैं। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग थी वो तो हमारे यूट्यूब के ऊपर चली रही है, अब आपको अपनी वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पर आपको स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपकी वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग की फुटेज भी आपकी जाने लगेगी आपके इंस्टाग्राम के ऊपर। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग की फुटेज थी वो यहाँ पर आनी स्टार्ट हो चुकी है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग की फुटेज थी, वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग की फुटेज थी, वो हमारे इंस्टाग्राम पर यहाँ पर आ चुकी है। और जैसे ही आप यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करोगे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग इंस्टाग्राम के ऊपर भी लाइव हो जाएगी। पर गो लाइव पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर अब आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख रहे हो मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। जो हमारे मैसेजेस आप यहां से पढ़कर जवाब दे सकते हो, जैसे आ रहा है राम कुमार 9667 18 ज्वाइंट, और ट्रेवलर जी ज्वाइंट, चौधरी पावर टूल ज्वाइंट, कुलदीप वर्मा जी नमस्कार। तो इस तरह से यहां से आप मैसेजेस को पढ़कर आराम से आंसर कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे YouTube पर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और हमारे Instagram पर वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग हमारी चल रही है। अब मान लो आप चाहते हो कि वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग को आपको बंद करना है, आप नहीं चाहते वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग चलाना, बीच में आपको उसे बंद करना है, और आप चाहते हो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहे, तो वो काम भी आप यहाँ पर कर सकते हो। मान लो वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग आपको स्टॉप करनी है, तो यहाँ पर जो स्टॉप का बटन आ रहा है यहाँ से आप अपनी स्ट्रीमिंग को स्टॉप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग है वो तो चलती रहे, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करना चाहते हो, ऑफ करना चाहते हो,
तुरंत यहां से स्टॉप स्ट्रीमिंग पर क्लिक करोगे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग स्टॉप हो जाएगी और वर्टिकल वाली चलती रहेगी। तो मैं यहां पर वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग को यहां से स्टॉप कर देता हूं। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे, इस तरह से आपको क्लिक करना है, आपकी जो वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ से मैं लाइव इस स्ट्रीम को भी यहाँ से स्टॉप कर दे रहे हैं, तो हमारी दोनों स्ट्रीमिंग यहाँ पर इस समय ऑफ हो चुकी है। तो हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइव स्ट्रीमिंग इस समय यहाँ से हमने बंद कर दी है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप OBS स्टूडियो को इस्तेमाल करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग एक साथ कर सकते हो, यानी आपकी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग हो जाएगी, यानी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग और वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग एक साथ चलेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।